बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल व करम से आज का विदा करते हैं। शुरू में उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने काम वाली जगह पे हूँ। अभी सबसे पहले करते हैं कपड़े चेंज। कपड़े चेंज करने के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। आज मैंने जो काम करना है वो ये काम है, ये बैठक है, इसको तैयार करना है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये भी काफ़ी डैमेज हुई है, ये दीवार भी और ये भी। इसको सेम उसी तरह तैयार करना है जिस तरह मैंने टीवी लॉन्च वाली दीवार की थी, ठीक है। सेम उसी तरह खुरचाई टीन। इसी तरह सारी दीवार को ऊंचाई करनी है, जहां जहां डैमेज है, जहां जहां से उखड़ी हुई है, जहां जहां से खराब हुई है, वहां वहां से दीवारें सारी ऊंचाई इसी तरह करनी है। और आपको मैं सारी ऊंचाई करके दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सफाई वाला काम है जो मुकम्मल तौर पे क्लियर हो गया है। ये आप देख सकते हैं दीवारें भी जितनी भी हैं, छत की सफाई थी जो मुकम्मल तौर पे क्लियर हो गई है। अभी लगानी है इनको पुटीन, शुरू करते हैं पुटीन लगानी। आप देख सकते हैं ये डैमेज इसके बड़े 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 खड़े हैं, तो ये मैंने मिक्स किया है अभी, प्लास्टर ऑफ पेरिस और काला सीमेंट मिक्स किया है। इसकी अभी मैं लगाऊंगा, बनाऊंगा पुटीन। सबसे पहले सीमेंट मिक्स करने का ये फायदा है हमें कि जहाँ बड़े डैमेज हों वहाँ अच्छे तरीके से सही मजबूती आ जाती है। इसलिए इसके अंदर मैंने इधर है बड़े डैमेज, इसलिए मैंने इसके अंदर काला सीमेंट मिक्स किया है पेरिस के अंदर, और इसकी मैं अभी पेंट बना कर लगाऊंगा। मैंने पानी डाल के अच्छे तरीके से इसको पहले हल कर लेना है। अगर आप देखें ना कि पेंट अच्छे तरीके से नहीं लगती, ठीक है, खुश्क है दीवार, तो चाहे आप पेंट लगा लें चाहे पानी के साथ। इस तरह मैं पानी के साथ इसको भी करता रहा, मुझे पेंट अच्छे तरीके से लगा दी, पानी लगा लें सही है। पानी लगाने का ये फायदा है अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगी, क्लीन करने में आपको मुश्किल नहीं होगी। ये देखते हैं मैंने पानी लगा लिया है, मुझे अच्छे तरीके से क्लीन हो गया। इस तरह जितने बड़े खड़े हैं इसी तरह की रूटीन है जो मैं लगाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली पुटीन है जो मुकम्मल तौर पे क्लियर हो गई है मेरी, ये देखें इंशाल्लाह। और ये वाली दीवार भी ऊपर ऊपर से मैंने फिलिंग कर ली है, ये आप देख सकते हैं। वल पुट्टी और पेरिस मिक्स किया हुआ है, इसके साथ मैं फिलिंग कर रहा हूँ, यहाँ तक ये हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि ये दीवार मुकम्मल तौर पे फिलिंग क्लियर हो गई है। इस कमरे में जितनी भी पेरिस की पुटीन थी या दूसरी पुटीन थी, बड़े बड़े डैमेज थे, वो सारी हो गई है। और इस कमरे को मैंने करनी है फिलिंग वॉल पुट्टी की, ठीक है। तो वॉल पुट्टी खैर मेरे पास नहीं है, और भाई को मैंने भेजा हुआ, वो लेने गए हैं, वो आते हैं तो फिर करते हैं। इसी के साथ साथ ये आपको दिखाता चलूँ कि बाहर भी पुटीन है इसी तरह जिस तरह ये मैंने पुटीन की है, काला सीमेंट और पेरिस मिक्स करके की है। ये देखें यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज है। तो अभी मैं इसको पुटीन कर लेता हूँ उतनी देर तक जब तक भाई वाल पुट्टी लेके आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये पुटीन हो गई है क्लियर, लेकिन अभी ये मुकम्मल प्लान नहीं हुई है। अभी एक दफ़ा एक हाथ इसको कर दिया, एक दफ़ा दोबारा करेंगे। और वॉल पुट्टी भी भाई ले आए हैं, अभी चलते हैं कमरे में और दीवारों को फिलिंग करना शुरू करते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह ये दीवार है जो ऊपर से लेके नीचे तक मुकम्मल तौर पे फिलिंग हो गई है। एक दफ़ा ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह ऊपर से लेके नीचे तक पूरी मुकम्मल होगी, और ये वाली दीवारें हैं जो ऊपर ऊपर से हो गई हैं क्लियर। अब ये नीचे नीचे रहती हैं, ये दीवारें नीचे नीचे रहती हैं, और अभी करते हैं शुरू इनको भी नीचे से फिलिंग करना। अल्हम्दुलिल्लाह दीवारें देखिए जितनी भी हैं मुकम्मल तौर पे एक दफ़ा फिलिंग हो चुकी हैं, ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। अभी एक दफ़ा ये हुई हैं, और इसी के साथ साथ अभी हो रहा है छुट्टी का टाइम, पहले धोते हैं हाथ मुँह, हाथ मुँह धोने के बाद करते हैं कपड़े चेंज, कपड़े चेंज करने के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हाथ मुँह धो के कपड़े चेंज कर लिए हैं और अभी निकलना है घर के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम से छुट्टी करके घर पहुंच गया हूं, और इसी के साथ साथ आज की वीडियो का करते हैं एंड। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब पर अपना खास करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह ताला आप सब की दोनों जहान की मंजिलें आसान फरमाए। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मोहम्मद जुनैद को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।